हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सअप ओटीपी प्रॉब्लम। व्हाट्सअप का ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है, व्हाट्सअप ओटीपी नहीं आ रहा है तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सअप को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर के एंड क्रिएट पर क्लिक करते हो, मोबाइल नंबर डालते हो, नेक्स्ट पर क्लिक करते हो और आप इंतज़ार करते रहते हो कि भाई ये साला ओटीपी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम यहाँ पर लॉगिन कर सकें अपना व्हाट्सअप अकाउंट। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपका कैसे ओटीपी आएगा मैं आपको बता देता हूँ, उसका सोल्यूशन क्या होता है। तो ओटीपी दोस्तों किस किस केस में नहीं आता है पहले आप ये समझ लो। जैसे कि मान लो आप जो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख रहे हो, जैसे एग्जांपल मैं आपको कुछ भी बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये मैंने मोबाइल नंबर लिखा और पहले आपको ये ध्यान देना है कि इस मोबाइल नंबर पे आपके फ़ोन में रिचार्ज है कि नहीं। अगर आपके इस मोबाइल नंबर पे रिचार्ज नहीं होगा, मतलब जैसा रिचार्ज होता है ना 300-400 रुपए का रिचार्ज होता है, अगर रिचार्ज नहीं होगा तो कुछ लोगों का ऐसा प्रॉब्लम आता है रिचार्ज की वजह से, रिचार्ज ना करने की वजह से उनका ओटीपी नहीं आता है। और ये बात हो गई, अगर ऐसा होता है, अगर आपके उस नंबर पर रिचार्ज नहीं है तो आप फटाफट रिचार्ज करो, आपका ओटीपी तुरंत आ जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तब बाद में हमको समझ में आया कि हमने रिचार्ज नहीं कराया, इसकी वजह से ओटीपी नहीं आ रहा था, तो मैंने वो भी रिचार्ज कराया और ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब एक और प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे व्हाट्सअप आपका जो फ्रेश नहीं होता है, तो फ्रेश व्हाट्सअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और यहाँ पे आपको WhatsApp सर्च करना होगा और उसके बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। तो एक बार क्या करना है आपको, अपना ये वाला WhatsApp जो होता है ना अनइंस्टॉल कर देना है, मतलब यहाँ पे डिलीट कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से उसी WhatsApp को एक बार मोबाइल रिस्टार्ट करने के बाद इस WhatsApp को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अगर आपके फ़ोन पर नंबर पर रिचार्ज हो चुका है, उसके बाद अपना यहाँ पे आप नंबर डालिए, जो भी आपका नंबर होगा दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोले तो 10 सेकंड सिर्फ वेट कर रहा है, 10 सेकंड के अंदर अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको ओटीपी देखने को मिल जाएगा और ऑटोमेटिकली ओटीपी ले लेगा। उसके बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है, अलाउ पर क्लिक करना है, अलाउ पर क्लिक करना है, अलाउ अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लुकिंग फॉर बैकअप्स लेगा, मतलब बैकअप्स जब लेगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है, आपको पूरा दोस्तों परमिशन दे देना है अच्छे से, ताकि दोस्तों आपका यहाँ पे अच्छे से दोस्तों यहाँ पे आपका अकाउंट दोस्तों एक्टिव हो जाए। फाइनली दोस्तों मेरा व्हाट्सअप यहाँ पे खुल चुका है और इसी तरह आपका भी व्हाट्सअप आपका यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद आराम से दोस्तों आपका ये ओटीपी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी अप्लाई करो, आपका ओटीपी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा आपके फ़ोन में और आप दोबारा अपनी आईडी को लॉगिन कर पाओगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन दबा देना, आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी अगर आप ये कर लेते हो। तो मिलते हैं इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।